कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, मुझे लगता है कि अब इंदौर को और सब्र रखना चाहिए क्योंकि इंदौर अभी रेड जोन में है। महामारी के चलते देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जल्दी शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की बात की जाए तो इंदौर में लगातार कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने इंदौर के प्रभारी मंत्री जी से सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के लिए कहा, जिसको लेकर आज रेसिडेंसी मऊ पर बैठक ली गई, जहां शहर के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कई मुद्दों पर चर्चा हुई कि कैसे लॉकडाउन कैसे खोलना चाहिए, कब तक खोलना चाहिए, इसके बारे में राय ली गई। इस बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो बैठक ली गई है वह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर की हम कोई भी निर्णय करें तो जनता के प्रतिनिधि सामाजिक संगठनों से मिलकर करें। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभारी मंत्री ने ही बैठक बुलाई है और उसमें सभी लोगों ने अपने विचार रखे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मुझे लगता है कि अभी तो इंदौर के लोगों को सब्र करना चाहिए और करना भी पड़ेगा, क्योंकि इंदौर अभी रेड जोन में है। हम नहीं चाहते कि इंदौर ने काफ़ी प्रसिद्धि कमाई है, क्लीन इंदौर में उतनी ही हमारी बदनामी हो गई। रेड जोन में आने के कारण हम जीरो कोरोना इंदौर को करेंगे। जब तक सब लोगों को संघर्ष करना है, धैर्य रखना है। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, मेडिकल की टीम, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि सभी मिलकर कोरोना से शहर से मुक्त करेंगे। समय ज़रूर लगेगा, बाकी फिर एक बार हम इंदौर को चमका जाएंगे। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए कुछ उद्योगों को चालू किया गया। कुछ MHA की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों में कम मजदूर जाएं, 25-30% तक मजदूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मजदूर फैक्ट्री में रहे, बाहर नहीं निकले। जिस फैक्ट्री में मजदूरों के रहने की व्यवस्था है उनको परमिशन दी गई है। उनके मालिक की जवाबदारी होगी कि वह मजदूर को रखे, भोजन की व्यवस्था करे और मजदूर बाहर नहीं जाए, तो उन सभी फैक्ट्री को अनुमति भी प्रदान की है। साथ ही जो मजदूर बाहर से आकर मध्य प्रदेश की सीमा से गुजर रहे हैं उनको पैदल नहीं चलना होगा। लगभग 2500 से ज़्यादा बसें प्रदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने का काम करेगी और सारे सामाजिक संगठनों ने उनकी सेवा की है, जूते चप्पल तक की सेवा की है। मध्य प्रदेश ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी मदद की है। सर क्या रहा बैठक? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर के प्रभारी मंत्री जी से यह निवेदन किया था कि वे सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके और लॉकडाउन कैसे खोलना चाहिए, कब तक खोलना चाहिए, इससे उनकी राय लें। तो जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन सबके साथ प्रभारी मंत्री बैठक ले रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर कि हम कोई भी निर्णय करें तो जनता के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों से मिलकर करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रधानमंत्री जी ने आज ये बैठक बुलाई, के प्रभारी मंत्री ने बैठक बुलाई थी और उसमें सब लोगों ने अपने विचार। देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि इंदौर के लोगों को सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि इंदौर अभी रेड जोन में है और हम नहीं चाहते कि इंदौर ने काफ़ी अपनी प्रसिद्धि कमाई है क्लीन इंदौर में और इतनी ही हमारी बदनामी हो गई रेड जोन में आने के कारण। हम जीरो कोरोना इंदौर को करेंगे जब तक सब लोगों को संघर्ष करना है, धैर्य रखना है और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, मेडिकल की टीम, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि सब मिलकर कोरोना से इस शहर को मुक्त करेंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, बाकी एक बार फिर इंदौर को हम चमकाएंगे कि इंदौर कोरोना शून्य हो गया। सर सब्र की बात सुनिए, आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाना है, क्या पॉसिबिलिटी इंदौर शहर के अंदर लगती है कि? देखिए, ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और इसीलिए कुछ उद्योगों को चालू किया गया है, कुछ MHA की जो शर्तें हैं उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों में कम मजदूर जाएँ, 25-30% मजदूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मजदूर वहीं रहे फैक्ट्री के अंदर, बाहर नहीं निकले। जिस फैक्ट्री में मजदूरों के रहने की व्यवस्था है उनको परमिशन दी गई है, फैक्ट्री मालिक की जवाबदारी होगी कि वो मजदूर को वहीं रखे, उसके भोजन की व्यवस्था करें और मजदूर बाहर नहीं जाएं। तो ये उन फैक्ट्रीज को हमने रिक्वेस्ट किया था, कलेक्टर साहब को उन्होंने अनुमति प्रदान की है
और साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मजदूर बाहर से आकर मध्य प्रदेश की सीमा से गुजर रहे हैं उनको पैदल नहीं चलना होगा। लगभग 2500 से ज़्यादा बसें पूरे मध्य प्रदेश में उन सब मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने का काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने उन मजदूरों की सेवा की, जूते चप्पल तक की सेवा की है। मध्य प्रदेश ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप यहाँ के नागरिकों ने और सरकार ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी चिंता की। सर, गौरव ग्रंथदेवी की नियुक्ति